बहुत ही बड़ी खबर आई है भारत के लिए और उन लोगों के लिए जिनके साथ में यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर भेदभाव हो रहा था। यूक्रेन का ये दोगुला रवैया सबके सामने आ गया है, किस प्रकार से भारतीयों के साथ वो कर रहा है। हर देश को अपने स्वार्थ की पड़ी है और उसी प्रकार से भारत को भी ये स्वार्थ है कि अपने नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित वहां से बाहर निकाल आए। इंडिया की कूटनीति इस समय विश्व में चरम पे है। भारत करता है रशिया से बात और ये कहता है कि हम ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर, मगर समस्या ये आ रही है कुछ लोग ऐसी जगहों पर फंस गए हैं जहां से पोलैंड के और बाकी बॉर्डर्स पे नहीं जाया जा सकता क्योंकि रशियन आर्मी काफी अंदर तक पहुंच गई है। खार्किव के पास में एक जगह है सुमी, वहां पर इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स फंस गए हैं, 500 से ज्यादा बताए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें अगर बाहर निकालना है तो आपको रशिया से बात करनी पड़ेगी, जो बहुत ही बड़ा कदम हो सकता है। ये जो यूक्रेन का बॉर्डर है ठीक इसके पास में यहां पर इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और वो यहां से निकलकर यहां तक जाने में सक्षम नहीं है। साथ ही के अंदर ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, यहां पर रशिया ने तकरीबन इन्वेजन कर लिया है, उनके कब्जे में ये जगह हो चुकी है। पूरे विश्व के अंदर भारत सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है और पहला ऐसा कंट्री है जिसने रशिया से भी बात की। भारत ने रशिया से बात की तुरंत प्रभाव से और एक टीम को बेलगोरोड के अंदर नियुक्त कर दिया। ये ऐसी टीम है जिसको रशियन बोलनी अच्छी प्रकार से आती है, एम्बेसी के कांस्टेंट टच के अंदर है और यही वो टीम है जो भारत के उन नागरिकों को लेकर आएगी जो कि यूक्रेन के थ्रू नहीं आ सकते कई कारणों की वजह से। एक कारण जो आपको साफ नजर आ जाएगा कि ये जो यूक्रेन वाला एरिया है यहां पर कोई फ्लाइट आपको नहीं दिखाई दे रही, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये भी मिलिट्री वाले हैं, मगर इस जगह से घूमते फिरते लैंडमाइन से बचते हुए यहां तक आने में जो समस्या है, उसके अलावा समस्या ये भी है कि जो लोग पहुंच रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर वहां पर यूक्रेन के लोग उन्हें असली अपनी नीयत दिखा रहे हैं। यूक्रेनियन के जो आर्मी है उन्होंने इतनी ज्यादा उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है। इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है बेलगोरोड, यहां पर ये जो सुमी के अंदर फंसे हुए लोग हैं और जो खार्किव में बचे हुए लोग हैं वो आराम से पहुंच सकते हैं और इनको केवल इस बॉर्डर तक आना है, यहां से टीम जाएगी भारत की और वापस उनको लेकर आ जाएगी। बोलने सुनने में बहुत आसान लगता है मगर ये बिल्कुल भी आसान काम अगर होता तो कोई दूसरा देश भी ये कर रहा होता, कम से कम चाइना कर रहा होता, मगर केवल और केवल भारत कर पा रहा है। रशिया के डिप्लोमेटिक चैनल से हाईएस्ट लेवल के ऊपर बातचीत हो रही है और हाईएस्ट लेवल का मतलब होता है डायरेक्टली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रूस के एम्बेसडर के साथ में बात कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। रूस के अंदर हजार बुराइयां हैं मगर उसमें एक खूबी है, सब मानते हैं कि अगर उन्होंने आश्वासन दे दिया इसका मतलब काम हो गया। तो भारत जैसे ही रिक्वेस्ट करता है इवैक्यूएशन के लिए रशिया की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। रशिया के एम्बेसडर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ऑनलाइन आकर सबको ये बताते हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने काम किया है और हम एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं जो भी आपने बोला है इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए, और ये हम इसलिए भी कर रहे हैं साफ तौर से उन्होंने बता दिया क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं इंडिया के साथ में, तो इस बात को हम मना तो करेंगे ही नहीं। दूसरे देश किसी चीज के लिए आलोचना करें मगर भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर अपना रवैया बैलेंस्ड रखा क्योंकि हर कंट्री अपना स्वार्थ देखती है तो हम भी देखते हैं। और रशिया के एम्बेसडर ये बोलते हैं कि हम भारत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, उन्होंने अपनी खुद की सोच रखी और यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी प्रकार से भेदभाव वाली नीति नहीं अपनाई, सही चीजों को सही प्रकार समझा। आप इस बात को समझिए कि भारत की सिचुएशन इतनी साधारण नहीं है। यूक्रेन के पास में सबसे बड़ा हथियार है पूरी दुनिया के पास जाने के लिए कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके ऊपर एक कम्युनिस्ट कंट्री आक्रमण कर रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज डिक्टेटर होती हैं। डेमोक्रेसी की अपनी बुराइयां हैं मगर अच्छाई ये है कि यहां पर हर किसी की बात मानी जाती है, मगर कम्युनिस्ट के अंदर जो बात कह दी सो कह दी। अब यूक्रेन ये कह रहा है कि क्योंकि हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं हमारे साथ में खड़ी हैं, मगर यहां पर जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है यानी कि इंडिया, जब तक इंडिया इस यूक्रेन के साथ में नजर नहीं आता तब तक ये डेमोक्रेसी वाली बात नहीं मानी जाएगी, और जो यूक्रेन की बात है कम्युनिस्ट कंट्रीज के खिलाफ उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। भारत के स्टूडेंट्स यूक्रेन के अंदर फ्री में नहीं पढ़ रहे थे, वहां पर जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कस्टमर थे, पैसा दे रहे थे जिसका यूक्रेन को फायदा हो रहा था, मगर जैसे जैसे स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं पता पड़ रहा है कि यूक्रेन में उनके साथ में क्या भेदभाव चल रहा है। ज्यादातर भारत के स्टूडेंट्स कैमरे के ऊपर इस बात को स्वीकार नहीं रहे क्योंकि उनको पता है जब वापस जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, अपना कोर्स पूरा करने के लिए, तो उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मगर भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इस समय एक ऐसी सरकार है जो कहती है कि सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, चाहे यूक्रेन से मेरे को बात करनी पड़े चाहे रशिया से। ये प्रॉब्लम तो है ही कि यूक्रेन के बॉर्डर से पहुंचने से 20-25 किलोमीटर पहले ही बच्चों को उतार दिया जाता है, पैदल चलना पड़ता है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, यूक्रेन की जो बसें हैं वो आगे तक जा रही है उनके नागरिकों को लेकर,
मगर इसके साथ में जो दूसरी बात थी कि यूक्रेन से अगर एक बार यूरोप के अंदर बच्चे पहुंच जाएं तो वो वहां से वापस आ जाएं, मगर यूक्रेन के बॉर्डर की जो समस्या थी उसके लिए एक स्टेप चला गया। और ये जो स्टेप है ये बहुत ही बड़ा स्टेप था, केवल और केवल भारत ने चला कि ना सिर्फ उसने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के बॉर्डर्स के ऊपर भेज दिया, उसके अंदर एक ऐसे मंत्री भी भेज दिए जिन्होंने भारत के आर्मी की कमान संभाली थी, यानी कि पूर्व सेना थल अध्यक्ष थे। ये चीजें प्रेशर बनाने में काम में आती हैं, जब आपको लगता है कि थोड़ा प्रेशर बनाकर अपने सिटीजंस की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि भारत की आर्मी भी कोई छोटी आर्मी नहीं है। साथ ही के अंदर भारत को एक और स्टेप लेना था रशिया के लिए, और विदेश मंत्रियों के थ्रू हाईएस्ट स्टेप के ऊपर बात करवाता है कि हम अपने विमान भेज रहे हैं रशिया, हमारे सिटीजंस को यहां से इवैक्यूएट करवाओ। एक और बड़ी सिचुएशन है जो हाल ही के अंदर सामने आई है, जो कि संदेह के दायरे में है, उसके ऊपर भी भारत ने रशिया से बात की है। जो भारत का छात्र शैलिंग के अंदर मारा गया था, उसका एक फ्रेंड बोलता है कि आखिरी समय में मैंने उससे बात की थी और वो 8 बजे के आसपास में जब बाहर था उस समय कोई शैलिंग नहीं हुई, यानी कोई धमाके तो हुए नहीं, तो मैं ये बता नहीं सकता कि उसको किसी गोली से मारा गया है या फिर कोई शैलिंग हुई है। मतलब ये एक बहुत बड़ा आरोप है। बड़ा आरोप इसलिए है क्योंकि गोली से अगर इसकी मौत हुई है तो वो जो एरिया जो कि यूक्रेनियन फोर्सेस के कब्जे के अंदर था, वहां पर भारतीय नागरिक की गोली से मौत होना, इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। तो रशिया ने खुद आगे बढ़कर भारत से बात की और बोला कि हम इसकी जांच कराएंगे, हमारे पास पूरा डाटा है, 8 बजे के आसपास हमने कहां कहां पे गोलीबारी की है। यूक्रेन के अंदर हजारों लोग मारे जा रहे हैं केवल और केवल इसलिए क्योंकि रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसकी कुछ मजबूरियां थी या नहीं थी। हमारा ये कंसर्न है कि हमारे नागरिकों के साथ में क्या हो रहा है, और हमारे नागरिकों के लिए हम चाहे यूक्रेन की घेराबंदी करनी पड़े, चाहे रशिया से हमें बात करनी पड़े, हम ये सब काम करेंगे। पूरा विश्व और पूरा भारत ये चाहता है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, शांति से इसका समाधान हो, बातचीत के जरिए यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस प्रकार से बातचीत होती है उस प्रकार से समाधान निकले। वैसे कश्मीर का अभी तक समाधान निकला तो नहीं है, मगर इसका जरूर निकल जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।